सर मेरा एक पार्सल लेना करेंगे? हाँ बैठिए ना सर, हो जाएगा। सर मेरा ये यूज मोबाइल है, मुझे कुरियर करना है इसको नागपुर के लिए। ठीक है, हो जाएगा। 50 से 55 रुपीज़ इसका चार्ज लगेगा, अदरवाइज इसका पैकिंग चार्जेस 20 से 30 रुपीज़ जाएगा। ये देखिए सर, इसका वेट है 240 ग्राम। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पैक करा दीजिए फिर। ओके सर। सर आपका नाम बोलिए। अब्दुल खान। इससे पहले भी कुरियर किया क्या आपने यहाँ से? हाँ मैंने कुरियर किया था, बट आपके एक्सप्रेस ब्रिज से, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। सर ये फर्स्ट टाइम अगर आप एक्सप्रेस ब्रिज के सर्विस को ये करते हैं तो 20 से 30% डिस्काउंट मिलता है। क्या बात तो है? जितना बिल जनरेट होगा उसमें आपको 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा। पहले फुर्सत में करा दीजिए भाई। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू यार। सर आपका सर रोज कुरियर कंटिन्यूसली रहता है, सम टाइम रहता है? होते हैं, मतलब जैसा महीने में कभी कभी हो जाते हैं, मतलब कभी कभी 15 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं, ऑफिशियल भी कुछ मेरे पार्सल्स होते हैं, एनवेलप्स होते हैं। ओके चलेगा सर, बट आगे से अगर आपका कुछ पार्सल वगैरह रहेगा तो जो उसमें नंबर दिया हुआ है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमारा मतलब ये भी सर्विस है कि कस्टमर अगर पॉसिबल नहीं है ऑफिस पे विजिट करना तो हम लोग डिलीवरी बॉय को भी अरेंज करते हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपके घर से आकर पार्सल पिक करके चला जाएगा, जो भी आपका स्लिप रहेगा वो जनरेट करके आपको मिल जाएगी। वेरी गुड, यानी मेरे को सिर्फ कॉल करके बताना है तो आप लोग घर पे आके उसको पिकअप कर लोगे? ओके ओके राइट सर। गुड यार, मेरा टाइम बच जाएगा, थैंक यू यार। थैंक यू सर। ये रहे बिल आपकी, ये नागपुर के चार्जेस आपके 240 वेट है, फ़ोन था आपका 73, इसके चार्जेस होते हैं। आपको जैसे मैंने बोला 20 से 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट कट करके आपके 55 से 60 रुपीज़ चार्ज होते हैं। सीरियसली भाई, पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट जैसा करना है सर, आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत सारी सर्विसेज है अपने पास में। जी सर। अरे देखा कि आपने, मतलब मैंने मेरा कुरियर जो 240 ग्राम का मेरा मोबाइल मैंने नागपुर के लिए कुरियर किया, जिसके चार्जेस मुझे पड़े जस्ट 55 रुपीज़। जी हमारे जस्ट कन्फर्म हुई दिस गाय, भाई ये कहीं आपने नागपुर के लिए मुंडन का तो चार्जेस नहीं लिए? नहीं, बट जस्ट इनसे मैंने कन्फर्म किया तो इन्होंने बताया कि इनके लिए जो लोकल है दैट्स इंटायर महाराष्ट्र। आई एम शॉक, मतलब मैं हैरान हो गया, मतलब इंटायर महाराष्ट्र इन लोगों के लिए लोकल है? नॉर्मली होता है क्या, मतलब लोकल फॉर मी लोकल मतलब ये होता है कि भाई मुंबई एरिया हमारा लोकल हो गया, हम सर हमारे चार्जेस लोकल मुंबई, मतलब 45-50 रुपीज होते हैं जो भी है वॉट एवर, बट इनके जो लोकल चार्जेस है तो ये नागपुर से लेके इंटायर महाराष्ट्र आपका सोलापुर हो गया, बाद में फिर लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, ये जितना भी है यहाँ पे आपको लोकल चार्जेस में आप अपने जो कुरियर को कहीं पर भी पार्सल कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जो है अपना अपने रिलेटिव्स को, अपने होते ना समोन क्लोज को कुछ भी अगर भेजना है तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ में, प्रॉपर एक वेल प्रोफेशनल टीम है इनकी, और एकदम प्रॉपर होते ना एक ट्रैकिंग नंबर के साथ में जो आपका कुरियर आपके जो समोन के पास में पहुंच जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि ये जब मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज़ मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वो सही है वो मैं आप तक के पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि भाई ये जो कुरियर के चार्जेस इनके चल रहे हैं, मतलब लोकल महाराष्ट्र इंटायर महाराष्ट्र को लोकल, दैट समथिंग अमेजिंग, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इट्स अ जॉइंट वेंचर, एक्सप्रेस भी जो है एमजे सर्विसेज के साथ में मिलके दोनों काम कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन भी आप इनको चेक कर सकते हैं। इनकी रेटिंग मैंने पर्सनल चेक किया गूगल पे, इनकी रेटिंग चेक, इट्स अ 4.9, यानी रेटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखिए ना, 4.9 मतलब ऑसम। और ये पूरा आता है सर्विसेज पे, आपके सर्विसेज पे डिपेंड करता है आपका पिकअप आप जो उठा रहे हो वहाँ से लेके आपके ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से आप जो पॉइंट टू पॉइंट कहाँ तक पहुँचे हो, आपने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट के हिसाब से आपने कुरियर उस टाइम पे पहुँचा है नहीं पहुँचा है, और लेने के बाद में कस्टमर जब सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद में आपका जो फीडबैक आपके गूगल पे डाल देता है, वहाँ से आपकी रेटिंग जनरेट होती है। तो मैंने पर्सनली इनकी रेटिंग देखा, इनकी रेटिंग है 4.9, ऑसम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो प्लीज कम टू एक्सप्रेस वी, इट्स जॉइंट वेंचर विद एमजे सर्विसेज, एंड आप अपना जो पार्सल अपने सेफ्टी के साथ में किसी के पास पहुंचा सकते हैं, अपने समोन के पास में, अपने क्लोज जो होते हैं जो उनके पास में। सो इट्स लाइक हम अपने सेफ हैंड में पहुंच गए, जहां पे हमने हमारा पार्सल सेफ हैंड में दे दिया और अपना पार्सल हमारे समोन के पास पहुंच गया। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो ABD एम्पायर, एंड प्लीज कम to express me, it's a joint venture and just services. Thank you so much.